सीवीडी 2022 आखिर में हो गया है। तो बच्चे का सबका जो क्वेश्चन था जो कैसे होगा, कट ऑफ कितने तक जाएगा, एग्जाम पेपर जो मोड था वो मैं मॉडरेट जोन में रखूंगा। और मैं टेलीग्राम में सर्वे चलाया था, वहाँ पर भी मेजॉरिटी मॉडरेट ही बता रहे हैं। हाँ, डिफिकल्ट नहीं था, इजी भी नहीं था, बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो गया है दैट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट। बार बार मैं तुम लोगों को इसी बार में बोला, जो टाइम इज द प्रीसियस फॉर सीयूईटी एग्जाम, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो पेपर थोड़ा लेंदी हुआ था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स सेफ रहेगा अगर तुम मुझे पूछोगे, तो 45 to 40 क्वेश्चंस पे अगर कोई सही से करके आता है तो उसका कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ज़रूर उसको मिल जाएगा, 45 में भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो 45 को मैं सिक्योर जोन में रखूँगा, और अगर कोई 60 या 65-70 चला जाता है तो उस सिंगल डिजिट रैंक के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और जो पेपर है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट लेंदी था, पेपर लेंदी था डेफिनेटली। मेजोरिटी बच्चे का यही कहना है, जो पेपर बहुत लेंदी था, पूरा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तुम लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया, और कैसे तुम लोग का एग्ज़ाम क्या है, तो मैं सबका रिप्लाई की वेट करूँगा। ऑल द बेस्ट सबको, और अभी टेंशन मत करो जो क्या हुआ है, अपना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है या उनके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो तुम्हारे मेन टारगेट है उनके लिए, कोई बच्चा अगर IIT जैम की तैयारी करना चाहते हैं उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो, वे अगर DU की करना चाहते हैं तो DU कर दो। तो बैठो मत, कल से ही तुम्हारा जो प्रिपरेशन है उनको स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट।